जडेजा हो गए हैं पूरी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर। खराब परफॉर्मेंस की वजह से शाहबाज नदीम की छुट्टी। चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट में क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? बता रहा हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। चेन्नई में पहले टेस्ट में टीम इंडिया की हुई थी हार, और अब देखना यह है कि टीम इंडिया इंग्लैंड पर दूसरे टेस्ट में क्या कर पाएगी पलटवार। रविंद्र जडेजा की फिटनेस ने दिया है झटका, और उनकी कमी का लगेगा टीम इंडिया को खटका। जडेजा की एब्सेंस से टीम इंडिया का बैलेंस बिगड़ा है, पर विराट कोहली एंड टीम को अब उनके बिना ही इस सीरीज को जीतने का प्लान सुधारना होगा। पहले टेस्ट में इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही लगी हुई थी जंग, इसलिए दूसरे टेस्ट से शाहबाज नदीम की हो गई है छुट्टी, जो दिखे थे बिल्कुल बेरंग। शाहबाज नदीम और राहुल चहर, जिनको पहले टेस्ट में कवर के लिए टीम के साथ जोड़ा गया था, टीम इंडिया ने दोनों ही प्लेयर्स को स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। नदीम का एक्सक्लूजन एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में 44 ओवर में 167 रन देकर 2 विकेट, जिसमें 6 नो बॉल्स थी, और सेकंड इनिंग्स में 15 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट, जिसमें 3 नो बॉल्स थी। ये स्टैट्स बताते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिन डिपार्टमेंट में नदीम रहे थे बिल्कुल फेल, और दूसरे टेस्ट में उनकी जगह टीम खिलाएगी अक्षर पटेल। जी हाँ, अक्षर पटेल सेकंड चेन्नई टेस्ट में डेब्यू करने वाले हैं। अक्षर पटेल के लेफ्ट नी में जो स्ट्रेन था वो अब ठीक हो गया है, और इस वजह से पटेल का टीम में खेलना लगभग निश्चित है। पर पटेल सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, इसलिए उनके आने से जो टीम में ऑलराउंडर का स्पॉट वॉशिंगटन सुंदर को मिला था, वहां भी चेंज होना लगभग सर्टेन है। वॉशिंगटन सुंदर ने वैसे अभी तक मिले हुए मौकों में बैटिंग तो काफी सुंदर की थी, लेकिन इंडियन पिचेस पर बॉलिंग अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। सुंदर ने पहले टेस्ट में 27 ओवर डालकर 99 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया, इसलिए सूत्रों की माने तो टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर के रोल और नंबर 7 पर बैटिंग वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को और स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए कुलदीप यादव को टीम में खिलाने का मन बना लिया है। कुलदीप ने अपना लास्ट टेस्ट 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट भी लिए थे, इसलिए टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में वापसी के लिए अपने स्पिन डिपार्टमेंट को और मजबूत करने का विचार बना लिया है। टीम में और किसी भी चेंज होने के आसार नहीं है। अजिंक्य रहाणे की बैटिंग फॉर्म के ऊपर उंगलियां जरूर उठ रही हैं, पर टीम के कप्तान विराट कोहली ने लगभग क्लियर कर दिया है कि रहाणे टीम के वाइस कैप्टन है, और उनकी टीम में जगह को लेकर किसी को भी कोई डाउट नहीं है। वैसे इंग्लैंड की टीम को भी झटका लग गया है। टीम के एक्स फैक्टर जोफ्रा आर्चर एल्बो इंजरी की वजह से सेकेंड टेस्ट से बाहर हो गए हैं, और जो रूट उनकी जगह टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड को वापस लेकर आ रहे हैं। पर ब्रॉड और एंडरसन की जोड़ी क्रिकेट फैंस को देखने को फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जेम्स एंडरसन भी इस टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। एंडरसन को इंग्लैंड अहमदाबाद में होने वाले टेस्ट के लिए इस मैच में रेस्ट करा रही है, और उनकी जगह इंग्लैंड क्रिस वोक्स या ओली स्टोन में से किसी एक को खिला सकती है। इसके अलावा जॉस बटलर भी अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी के तहत वो घर वापस जा रहे हैं, और उनकी जगह इस टेस्ट में विकेट कीपिंग करेंगे बेन फोक्स। एक और चेंज है, और वो है टीम इंडिया के लिए हर बार मुसीबत बने मोइन अली की इंग्लैंड टीम में वापसी। जी हाँ, उनकी वापसी हो रही है। इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर डॉम बेस चेन्नई के पहले टेस्ट में ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए थे, और मोइन अली जो खुद काफी टाइम से इंग्लैंड की टीम से अभी तक बाहर थे, अब उनको अंदर बुला लिया गया है। तो लास्ट मिनट अगर किसी प्लेयर को कोई इंजरी नहीं हुई तो ये होगी इंडिया की प्लेइंग 11। ओपनर होंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा। नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली। नंबर 5 पर आएंगे अजिंक्य रहाणे। नंबर 6 पर विकेटकीपर ऋषभ पंत। नंबर 7 पर खेलेंगे अक्षर पटेल। नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन। नंबर 9 पर ईशान शर्मा। नंबर 10 पर कुलदीप यादव। और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह। अब अगर आप हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो भैया अभी इस टीम में तो उनकी जगह बन नहीं रही है, पर अगर आप कप्तान होते, चलो चीफ सिलेक्टर ही होते, तो आप किसको टीम में खिलाते हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दो झटपट। बाकी क्रिकेट के लिए देखते रहो अनकट। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, कृपा आएगी।